वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठंड में सही होंगे और आप लोगों को दिल से संक्रांत की राम राम। सुबह सुबह का टाइम और मैं नाच चुकी हूँ। टाइम हो चुका है 8 बज गए करेक्ट। मैं नाच चुकी और मेरी मम्मी कह रही है कि आज सून मतलब मीठा तो कोई खा के राजी नहीं है, पर मेरे पापा खा के राजी हैं। तो उनके उपलक्ष्य में आज बनाया है हम लोगों ने हलवा। मम्मी बोली कि मैं तो मीठा बना लिया हूँ और हमारी मम्मी अभी नहाई नहीं है। ये रही हमारी मम्मी और मैं और मेरे बाबू ने आगे दर दिए। अभी मैं विशाल से बात कर रही थी कि नहीं बचपन में घर वाले ने क्या कर दी, जल्दी नहा ले सुथरा बटे को मिलेगा नहीं, मन तो मिल गया उस बोनू का और बोनू का मेरे टाइम भी क्या कर दे मत तेरे को तो सुधरी बोरी मिली उसका भ्रम टूट गया ना फिर उसका वो को नहीं ना टक्कर की थोड़ी सी वो बोरा चट्टा थी। अरे मैं ठीक ठीक तो वही वह है भगवान भी तो काले थे। और ये मेरा पट्टा काला पन है, राम भी तो काला था। हाँ राम मंदिर में राम जी है ही हो एक है, राम न श्याम न सारे थे। तो गाइस कल मुझे पता चला कि राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में वहां पे राम जी की काले पत्थर से मूर्ति बनाई गई है, वो सामने थे इसकी वजह से। ये मेरे पापा ने बताया हमें, मेरे पापा सारे दिन न्यूज देखते हैं और हमारा हलवा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, फिर मैं मेरे पापा को जगा के आऊंगी और ये प्रोसेस मेरी मम्मी हो जाएगी कि कैसे क्या होगा। बताइए क्या करना होगा बाकी मम्मी क्या करना है। ये आप मीठा तो खाओ को नहीं मम्मी मेरे दिक्कत तो यह है आप मीठा को इतना बनाया है वहां कभी ना खाया हुआ है थोड़ा बना के था। मेरे पापा आए थे ना तो मैंने सोचा कि मम्मी को नहीं दूंगी, मम्मी सच में बहुत मीठा खाती होती है। मैंने सिर्फ 2 कटोरी बनाया था और ने मेरा तो खा गया। मम्मी को शायद कल ना खा पाया होगा अच्छा खाना खाते ना ना खाया वो भी फिर हम तो खा गया ना था उतर हाँ। तो काना पे मैंने रखा था कि बेगाना जी को भी तो भोग लगाना है, तो वो मेरी मम्मी को लगा भोग उस चीज का मैं मेरी मम्मी का शुगर नहीं होने दूंगी। ओहो तो ये अब मैं निकाल लेती हूँ मेरे पापा का कमल जो कि मैंने कल विशाल जी से ही मंगवाया था और वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि फिर आज के लिए कुछ स्पेशल नहीं होता ना, इसकी वजह से मैंने इसको यहीं पे रख दिया था। उसका कलर कुछ इस पर चलो ये तो खोलना नहीं पड़ा, ये ऐसा है कुछ बिल्कुल लाइट लाइट पेट आने लगे पहले होया करते भाई। ये बारह ही कमर दिखा अब बिल्कुल ही जो महंगा कमर जितना महंगा होता जाएगा उतना अलग होता जाएगा। तो अब मैं मेरे आपा को जगा जाती हूँ, वैसे तो जाग चुके हैं ना भी चुके सारा काम हो चुका। हाँ मम्मी आई सकरात की राम 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 राम। सुनो इधर 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 मेरे को तो सुथरा बटेऊ मिल गया जब ही नया मेरा बटेऊ क्योंकि उसका भ्रम टूट गया। आप खुश हैं मुझे पाकर? ओके अब आप दूध लेने जा सकते हैं। चलो गाइस हाँ आ गई मम्मी, ये तो ले आई मैं कमलिया रख दिया छोटी प्लेट में। ये मैं सिर्फ आदर दो फिर लो खा लेने दे पहले। ठीक था उस दिन मैंने बनाया था मेरे पापा आए थे वैसा था, उससे अच्छा है क्या? ये अच्छा था
मिठाई इसमें गना है। अच्छा इसमें गणा मीठा है, कोई नहीं ये बना भी मिठास से ही है। मेरी मम्मी का आता था इसमें होना जरूरी था मीठा। तू तो नाप तोल की बनावा, मैं नाप भी तोल दी करूं, मैं तनु अंतात से ही बना। मेरे बाबू तो मैंने जगह दिया सबेरे पहले और खूब बढ़िया आशीर्वाद दिया मेरे बाबू ने। और अब हम लोग आज मेरी नानी के जाएंगे, अनाउंसमेंट तो मैंने आप लोगों के साथ करी ही नहीं। आज हम जाएंगे मेरी नानी के, मेरी नानी काफ़ी टाइम से हमें कहती थी आज जियो संक्रांत पे, आज जियो संक्रांत पे जियो। फिर मैं कहा ठीक है नानी, संक्रांत का त्यौहार भी ऐसा ही है पूरी फैमिली के साथ बनाने वाला। तो आज मैं विशाल जी और मम्मी जाएंगे, बाकी मम्मी तो नानी तो पापा को ही बुलाती। फिर मेरे पापा बोले घर भी कोई होना चाहिए। फिर मैं कहा ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा, मेरी मम्मी बनाएगी मेरे पापा के लिए रोटी और हम लोग खाएंगे कल वाली खिचड़ी। ना हलवा खा पहले, थोड़ा थोड़ा खाऊंगे पहले हलवा खा, पेट भर खाते तो खिचड़ी खाऊंगी मैं, मेरा स्वाद रोटी का खिचड़ी। ना ना तो हलवा खा पहले, रोटी आज नानी नाना का खाएंगे गरम गरम हलवा खा ले पहले। एक कटोरी हलवा, एक कटोरी नहीं मैं काना वाला खा लूंगी बस। तो की मैं तो खा ले। हां और आज सवेरे मैंने काना नु आया भी है, मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी काना की। अब रुको एक मिनट। देखो भैया आज हमारे काना जी ने भी न्यू सर्दियों वाली ड्रेस पहनी है और हलवे का भोग लगा दिया आज काना जी के लिए भी। हैप्पी मकर संक्रांति भाई। मेरी सासू मोम को भी आज मैंने जगा दिया, इब सारी उम्र जाग रही हो ठीक है। हाँ अरे खुश रही हो, अरे मन भी खुश रखी हो, अरे नुए मिठा कम खाइयो, कम खाइयो अलवा आप खाओ। आज सबेर पहले मैंने दोनों जगह दिए हैं, इब जाग गए रहो। ठीक है नो मम्मी ना ठीक ई में मम्मी इंजॉय करेगी। नो कह मन ने जगा दिया पहले, मैं हलवा खाऊंगी, मन कई देर होगी काम करता नहीं मैं, चलो बैठो आप। मैं भी खा लूं, मैं तो काना जी वाले में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। कहें रेडी और मेरी मम्मी अब देसी तरीके से आई आ रही हैं और इधर विशाल जी हैं और इधर मैं हूँ। मैंने अपना लाइट पिंक कलर का सूट पहना और मम्मी ने ग्रीन येलो रेड ऐसे ऐसे पहना है। अब चलते हैं हम नानी हाउस। लोग आगे भी नानी हाउस और नानी से मिल लिए और नानी को अच्छा लगा हमसे मिलकर और मेरी मम्मी यहाँ बिठा दी हमने काम कर, हर जगह काम कराऊ मैं। मेरी मम्मी तो फिर नुको गई, तू तेरी मम्मी तो बड़ा काम कराएगी। अरे मम्मी की भी रेल बढ़ा दी, मैं देखू ये सही तक रहेंगे नहीं काम। और क्या बात है हिमांशु और नानी, नानी मेरी मम्मी का सबर गोनी गढ़ ले दो भूखी तो 2 बजे। मेरी मामी ने आज आलू गोभी मटर की सब्जी बना रखी है, जीरा भी बूंद रखा है मेरे लिए। मेरे मामा ने हमारे लिए दाल बनाई है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। मखनी सी मखनी दाल और ये रायता, ये कुछ बनाया आज हमारे लिए मामी ने। और ये लड्डू मेरी मामी कह रही है मैं कौन खाती है, तमिल जी किस चीज के हैं, मेथी के चूरमा सा लग रहा है, चूरमा बूच रखा पिंडी बना रखी है चूरमा। अच्छा और सीरियसली मेरे मामा मामी ने मिलके जो बहुत टेस्टी खाना बना रखा था और मैंने आज कदर डाली सारी फैल गई, क्योंकि आज मैंने आप लोगों नोटिस कर रहे हो बिल्कुल सिर पे है मैं चुनिए क्या लग गया खाना था। तो ये सुंदर लग रहा है ना। तो बस अब चलेंगे घर थोड़ी सी देर में, मम्मी और मामी इधर बैठी हैं और नानी विशाल जी मामा और मामा के बच्चे उधर की तरफ बैठे, तो मैं सोच रही हूँ मैं इधर ही बैठूँ ना। आज मेरा पाटे का शुगर कितना लेवल है, काम भी फिर थोड़ा कंट्रोल तक खा लियो मीठा, कंट्रोल तो नहीं हो सकता माए ये तो कम ही खा
नहीं मेरा फटेगा मेरा भी जी बैठ गया था मल्ले भाई आज थोड़ा आगे मारिए बस बस हो गया जूस पी ले फिर ना मैं तो लस्सी पीऊंगी तो ये बाप ने कंट्रोल करना पड़ेगा आपकी गलती है यार चाय फीकी पी लिया करो और चाहे कुछ खा लिया करो लिक्विड तो ज्यादा होगा गोली किमे को नहीं खाओ पियो एक्सरसाइज कर लो योग कर लिया कर योग कर मंडूकासन कराया करा मंडूकासन रामदेव रामदेव मेरी मम्मी और खा मीठा अमरूद भी लग गए मेरे नानी के वो रे दो ये रे गुच्छे के गुच्छे हां खाओ फिर बाय बाय घर अपने और पापा ने आज हमें बहुत याद किया फिर मैंने आते हैं पापा को बोला कि गूंद का लड्डू खा लो फिर पापा बोले मैं आज इसके सारे अपना पेट भरा है किन्नी में ध्यान था आज बाबू का पूरा और अब मैं और मेरे पापा छीन लेंगे मटर और मेरी मम्मी देख लो ये बैग में मैं नहीं लाई वो रुको ना मैं लाती हूँ मैं और पापा तो छील लेंगे मटर और मम्मी अपना जो जो सामान लाई है उनको ठिकाने लगा और गाइस आज वो पूजा यादव जी का कमेंट आया मैं बर वे दो चीजें बता देती हूँ तो पूजा यादव जी आपको ऐसा लगता है कि हम मम्मी को कुछ ज्यादा ही टोकते हैं शुगर के लिए कि मम्मी की शुगर आ जाएगी आज के व्लॉग में आपने खुद ही देख लिया होगा कि मम्मी का शुगर लेवल कितना हो चुका है तो आप मेरी मम्मी को कमेंट करके ये समझाएं कि वो मीठा कम खाएं आप तो वो कर रहे हो ठीक है मम्मी हौसला बढ़ाओ कि आंटी जी और खाओ तो ऐसा नहीं है भाई और दूसरा कमेंट आपको ये था कि अचार की रेसिपी इसके अंदर मटर पापा इसमें छिलके और आपका एक कमेंट ये था कि आपको वो गाजर के अचार की रेसिपी पूछनी थी तो मेरी मम्मी बता देती है बताओ बता दो उसमें तो बेटा वो डाल लियो गाजर काटी लंबी लंबी गाजर तो आपने देखी होंगी उसमें थोड़ी ही राई कूट के गेर लियो और नमक हल्दी और वो तेल तेल और मिर्च डाल के और ऐसे ऐसे उछाल लियो उसको तो चम्मच के लड़ा लियो दो तीन दिन ती खाया जा फिर खट्टा हो गया है। बस तीन दिन हाँ थोड़ा ही डाल लियो अपने हिसाब से घर का जितना भी अरे एक बार दो गाजर का डाल के हाँ। देख लियो स्वाद लागे ना लागे भी हाँ पाइया गाजर का डाल के देख लियो एक बार हाँ। यहाँ पर तो बेटा सब खाते होते हैं पंजाबी लोग अभी मम्मी को मैंने बताया ना कि आपका अचार की रेसे ही मांग रहे ना फिर के कहो थे आप यार जब मैंने कही कि वहां पूजा यादव का कमेंट आया है नो फिर आप के कहो थे नानी के अभी आए हैं और अब फटाफट कर ले काम क्योंकि मेरी मम्मी क्या चढ़ रहा है चक्कर उधर हम लोगों ने जो काली थाली रखी है ना उसमें गोलगप्पे लाए थे और उस मग्गे में पानी रखा था वो मेरी मम्मी ने पिया और फिर जाके थोड़ा बहुत चक्कर उतरा होगा चक्कर तो डर है मेरा हाँ सफर नहीं कर सकती बेटा मैं हाँ और तो बस अब फटाफट लग जाते हैं सब्जी बनाएंगे गाजर मटर की हाँ कपड़े धोवाएंगे कपड़े धोने मुझे विशाल जी के हाँ हैं हाँ एक दो और मम्मी बोल रही थी उसको
कि भाई मैंने मम्मी छाणी पूरी कहती छाट छाट कर लूंगी एक एक धान एक एक मटर नहीं मैं तई नु कौन देता मैनू कौन देता कहने का भाई तू एक काम कर 20 के दे दे। हाँ और के मांगने क्यों लियो फिर। खाली तो दिख रहे थे फिर क्या करते लेने जरूरी थे आज और कोई सब्जी नहीं थी हमारे तो अब हम लोग कर ले मैं आपा तो लग गए देख काम ले अचार ले आए हम देखा था नया गाजर और अदरक ये हमारी मामी ने भेजा हमारे लिए गाजर अदरक हरी मिर्च और के था स्वाति लहसुन लसन और वो शलगम। शलगम हाँ सारी चीजा का अचार है इसका तो पता नहीं हमने ये शुगर कैसे लेवल कम करेगा मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी को पता चला ना कि हाँ शुगर गड़बड़ा गया फिर अचानक तो लेकर आई हर चीज में। हाँ चलो इस तरह में थोड़ा ठीक हो जाए मेरी मम्मी का चीनी पर ध्यान जा तो शुगर माते कम खाया करें ये जो खाओ है ना घेवर हाँ घेवर हाँ चा हाँ ये छोड़ दूंगी मेरी शादी हुई ना तीनों क्या करना ना मीठा बना याद है कप आधा कप अब नहीं कहती आधा कप। गर्मी में तो ठीक है अब हम लोग कर चार लेंगे पांच काम महीने तो मैंने बिल्कुल पीता पूछ 4-5 महीने ले पूछ ले तेरे पापा पापा कौन पी मम्मी ने चाचा दे है हाँ ये सच में काम कर लेती हूँ ठीक है नहीं काम में ना सोक्स फंसा दी यार मुझे डर लग रहा है मेरी वजह से मशीन ना खराब हो जाए। मैं तो चुपचाप ना कपड़े धो रही थी विशाल जी थोड़े से धुल चुके थे देखो इतने तो मैं धो चुकी थी और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर सॉक्स फंस गई है दिखाऊं मैं आप लोगों को ये देखो वो देखो अरे वो फंसी पड़ी दिखी हट होगी ले उसमें फंस इसके अंदर है वो पाइप के अंदर अब रही यो तो उसका है पानी का डर का हाँ तो यहां से क्या सोक्स यहां से इस समय से याद रही हाँ यही तो बोला मैंने इसका कुछ सिस्टम होगा खोलने का गाइस वो जो सॉक्स फंसी हुई थी ना वो तो निकल गई और मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी फद्दू के ये अगर ख़राब हो जाएगी ना तो इसको कपड़े सुखा पाएगी ये मैं ड्रायर करे बिना आजकल कपड़े नहीं सूखते और विशाल जी को मैंने इधर लगा रखा है काम पे नुकसान होता ना मुझे कतई ही अच्छा नहीं लगता गाइज पता है हमारी मशीन ना ठीक नहीं हुआ फिर मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा और मेरे को रोना सा आ गया थोड़ा सा और फिर मेरी मम्मी ने मुझे चुप करवाया क्योंकि ना मुझे लगा मम्मी आप डांट मारेंगे मेरे से पहली बार कोई चीज़ खराब हुई ना यहाँ पे वहाँ तो मैं कई बार ही कर दिया करती तूफानबाजी और फिर मम्मी ने मुझे चुप करवाया और ये देखो इधर इधर देखो गाइज मैं अपने पास एक रही हूँ और मैं अब भी आप लोगों को बताते हुए भावुक होगी सच में मैं जम्मा इमोशनल फूल फूल बोलते हैं ना वो वाली फूल फूल हूँ और तो कुछ नहीं बस अब मैं मम्मी बोली तू छोड़ इन कपड़ों को अपने पैर गर्म पानी में धो और सो जा तो गई अब बस अब मैं सोंगी और जो हमारे मिस्त्री थे ये पीछे उसके वॉशिंग मशीन के फेल हो गई इनके पास की नहीं थी तो पहले तो मैंने इनको ही बताया मैं ऐसे ऐसे में से तो गड़बड़ हो गई शायद मुझसे ही हुई होगी वो पर पता नहीं यार वो कब की थी मशीन में मुझे नहीं पता वो कब की फंसी हुई थी बाकी उसकी वजह से तो शायद नहीं हुआ और बाकी कल आके बताएगा वो मिस्त्री क्या मैंने गड़बड़ की और क्या नहीं। और तो बस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बाकी आप लोग जब व्लॉग देखोगे तब तो संक्रांत जा ही चुकी होगी ठीक है गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना बाय बाय कपड़े तो ऐसे ही पड़े हैं मेरे मैंने आके समय डेनी धोने में लगी उधर भी पड़े हैं ये भी सुखाना है कल ये भी वो काफ़ी सारा सिस्टम ऐसे ही पड़े बाय बाय।